एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? इसका पूरा गियर बस बाहर निकलना पड़ेगा। अरे यार, इसका नीचे का नट टाइट नहीं किया था शायद मैंने। इसके बारे में मैं कहता रहता हूँ, तो कल जी को थोड़ा लिफ्ट मांग दे देता हूँ। लिफ्ट कहाँ तक जाएंगे? आगे तक ब्रिज का। हाँ ठीक है, चलो। तो है गाइस, गाड़ी का काम फाइनली हो चुका है। अभी मैं इसका ट्रायल लेने के लिए जा रहा हूँ। बहुत दिनों बाद अपने मोटरबाइक सेटअप पे आ चुका हूँ मैं। गाड़ी को ये सेकंड टाइम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गाड़ी का सर्विस पॉइंट भी मिटवा रहा है मुझे। देखता हूँ नॉर्मल सा ट्रायल लेके आता हूँ मैं। पहले जो ऐसे जी स्टार्ट नहीं हो रहा था, गाड़ी लंबा चल जा रहा था क्योंकि इसका भार लीक कर रहा था ना, इसी वजह से। चलो थोड़ा सा छोटा सा ट्रायल लेकर आता हूँ मैं। बहुत टाइम चला गया इस गाड़ी को बनाते बनाते। ये देखो मेरा लेजेंड यहाँ पे खड़ा है। थोड़ा सा कैमरा एंगल डाउन है। ओके, थोड़ा सा गाड़ी अप एंड डाउन हो रहा है, थोड़ा चल जाने का वसा हो जाना चाहिए। पहले इधर पास पास से चला के देखता हूँ। BSS गाड़ी को थोड़ा मुझे भरोसा नहीं है, पहले से अच्छा लग रहा है गाड़ी चलाने में। और काफ़ी दिनों के बाद भी मैं अपना मोटर ब्लॉगिंग सेटअप आया हूँ। बहुत दिन हो गए हैं इस मोटर ब्लॉगिंग कर नहीं पा रहा हूँ मैं। ओके, इस गाड़ी का वाल का प्रॉब्लम बहुत बड़ा था, लेकिन इसका वाल का ग्राइंडिंग करते करते मुझे बहुत टाइम चला गया गाड़ी बनवाते वक्त। अभी 2-4 दिन कस्टमर को कहूँगा कि आराम आराम से चलाओ, पास पास में चलाओ, पता चले कुछ प्रॉब्लम। गाड़ी तो ठीक ठाक लग ही रहा है मुझे चलाने में। अभी इसका नया ट्रांसपोर्ट वगैरह भी लगा था, क्योंकि बारिश हो रहा था, मैं थोड़ा सा वीडियो भी बनवा नहीं पाया। बारिश हो गया और फिर मेरा भाई भी चला गया अपने कंप्यूटर क्लास पे, तो अकेला पड़ गया मैं, तो क्या कर सकता हूँ, वीडियो बना नहीं पाया। चलो चलता हूँ इंडिकेटर दे के, पीछे कोई है तो नहीं। वीडियो वैसे भी बहुत लंबा बन चुका है इस गाड़ी का। आई होप कि आवाज़ भी ठीक से आ रहा हो, फट ना रहा हो आवाज़। कहाँ जा रहा है भाई, सीधा सीधा लेकर आ रहा है। सो है गाइस, अभी मैंने इस गाड़ी का काम किया है, हाफ इंजन काम। गाड़ी ओवरहीटिंग होता था, स्टार्टिंग कर दे रहा था, बस का क्लच सेंटर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका था, तो वो सब कुछ मैंने नया लगा दिया हूँ। और मैं अभी छोटा सा ट्रायल ले रहा हूँ गाड़ी का आसपास से चला के। और कस्टमर को ये कहूँगा थोड़ा सा धीरे धीरे चलाना कुछ दिन तक, क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा वाल्व वगैरह नया है, तो थोड़ा सा अपने जगह सेट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। वैसे तो गाड़ी पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, गाड़ी का ओवरहीटिंग प्रॉब्लम वगैरह था तो वो सब कुछ मैंने कर दिया। और पहले ही बोल सका हूँ कि इसका वाल्व का प्रॉब्लम था जिस वजह से गाड़ी ओवरहीटिंग हो रहा था। अभी सब कुछ मैंने सेट कर दिया है, बस अब थोड़ा सा एंजॉय करो। काफ़ी टाइम भी चलेगा मेरे इस वीडियो पे, और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप कोई मैकेनिक भाई हो तो मेरे इस वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि नए नए प्रॉब्लम्स के बारे में मैं कहता रहता हूँ। तो अंकल जी को थोड़ा लिफ्ट मांग दे देता हूँ। लिफ्ट कहाँ तक जाएंगे? आगे तक ब्रिज का। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी तो इसका काम मैंने कंप्लीट कर ही दिया हूँ, आराम आराम से चलाना है कहूँगा कस्टमर को। गाड़ी तो ठीक ही है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा घूमने में मज़ा आ रहा है भाई, क्योंकि थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिखने लगे हैं। अभी तो यहाँ पर चास प्लस करने लगे हैं लोग। गाड़ी का सर्विस रिमाइंडर भी मिटाना पड़ेगा, मैं भूल गया था, वो भी मिटवा दूँगा मैं। आज का दिन पूरा टायर्ड था गाइस, पूरा इस गाड़ी पे दिन चला गया ऐसा समझ लो, क्योंकि दुकान पे था तो फटाफट से काम नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि एक के बाद एक गाड़ी आती रहती है, तो उन सबको प्रॉब्लम भी देखता रहना पड़ता है, तो टाइम से फटाफट से मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ कि कर भी नहीं पाता हूँ मैं। ओके कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, क्योंकि अकेला हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है करने में। कोई बात नहीं, अभी अंकल जी को उधर छोड़ कर मैं भी चलाऊँगा।
तो और कुछ है भी नहीं। वैसे आने वाले टाइम पे मैं अपना डीएल टेस्ट का वीडियो भी बनवाने वाला हूँ, क्योंकि तो मेरा डीएल का टेस्ट का आ चुका है मैसेज मुझे, बाइक ट्रायल देने के लिए जाना है, बस टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ जाने के लिए। ओके, थोड़ा सा क्लच को टाइट करना पड़ेगा। मैंने कस्टमर से कहा था कि इसका नया बोरकेट लगवा देंगे, क्योंकि इसका पिस्टन का नॉकिंग साउंड आ रहा है तो वो कम हो जाएगा और पिकअप वगैरह माइलेज वगैरह सब कुछ ठीक देगा, लेकिन क्या करें, कस्टमर ने कहा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है भाई मुझे बजट का, तो वो अभी काम चला था तो मैंने कर दिया उसको। ऐसे काम करने में मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, कस्टमर को जैसे मर्जी हम वैसे ही करेंगे। हम तो कोशिश करते हैं कि कहते हैं कि ऐसा कर दो तो तभी ठीक चलेगी गाड़ी, लेकिन सब कुछ कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, वो खर्चा कर पाएगा कि नहीं। ओके, वैसे कल का दुकान भी मेरा बंद रहेगा, कल मुझे संबलपुर जाना है, मेरे भाई का एग्ज़ाम है। बाइक से जाना चाहता था लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा जाना, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और पहले से इसने ट्रेन का टिकट भी बुक कर दिया है, 200 किलोमीटर के आसपास है, पर इतना बजट भी नहीं है ना जाने के लिए। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा बाइक से ही जाने के लिए, वहाँ वैसे ही बैक कर लूँगा मैं, अंकल जी को छोड़ देंगे। थोड़ा टक 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 का साउंड आ रहा है, वो थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, मैंने तो पहले से कहा था कस्टमर को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इस ओके। अंकल जी सोच रहे थे आगे जाएंगे शायद, ऐसा नहीं है, मैं तो बस अपना बाइक ट्रायल कर रहा था, वो तो उनको पता ही नहीं था, लगाना नहीं चाहता, लेकिन इंजन बना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है इस गाड़ी का बोरकेट का ही, बस बाकी सब कुछ ठीक है। क्योंकि मेरा जो कस्टमर है भी, इसका गाड़ी का रनिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा है, डेली रनिंग है ना, देखो 3 साल में इसने 70 किलोमीटर पूरा चला दिया गाड़ी को, इतना तो मेरा गाड़ी भी नहीं चला था जब मैंने खरीदा था, 7 साल में मेरा गाड़ी उतना नहीं चला जितना इतने इसने 3 साल में चला दिया गाड़ी को। ओके कोई बात नहीं, चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है गाइस, ऐसे वीडियो देखो ना, कोशिश कर रहा हूँ पार्ट बाई पार्ट छोड़ूंगा, क्योंकि बहुत लंबा लेंथ बन गया है, कितना एडिट करूँ यार, टाइम भी नहीं है मेरे पास एडिट वेडिट करने के लिए, थोड़ा सा दर्द देने लग गया मुझे। ऐसे जगह पे थोड़ा ध्यान से चलाना, क्योंकि ऐसे स्लिपरी जगह है। पिकअप बिगाड़ा तो ठीक है यार, सामना व्यू देखो गाइस कितना मस्त आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है, लेकिन इसको मिरर्स को टाइट करना पड़ेगा, मिरर्स बड़ा देखो लूज है एकदम से, उनको टाइट कर दूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मुझे पीछे को दिख नहीं रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं, कर दूंगा। और अभी जाके पहले सर्विस रिमाइंडर को मिटाऊंगा मैं, अच्छा लग रहा है चलाने में, एकदम स्मूथ लग रहा है। पहले क्या ना पिकअप डाउन हो रहा था, जैसे मुड़ा था गाड़ी का पिकअप दब रहा था, अभी पूरा सहाय सहाय चल रहा है गाड़ी एकदम मस्त, थोड़ा सा एक्सलेटर से और चल रहा है गाड़ी। गाड़ी का जब भी सर्विस वगैरह करना चाहिए ना, उस टाइम कस्टमर वगैरह का सबको टाइफाइड वगैरह चेक करवाना चाहिए, वहीं पर मेन खेल रहता है टाइफाइड का ही। अब इस
सीधा दुकान की तरफ ही चलता हूँ मैं। ट्रायल का वीडियो है, समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसका पूरा गियर बहुत बाहर निकलना पड़ेगा। इसका नीचे का नट टाइट नहीं किया था शायद मैंने, देखते हैं। हर बड़े में चलाया था मैं। ओके यहाँ पर रुक जाता हूँ। हर बड़े में मेरे साथ ऐसा होता ही रहता है थोड़ा सा। देखो मैं भूल गया था इसको, अभी जाके एक नट लगवाना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, चलता हूँ। अब इसी तरह दुकान की तरफ ही जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन अब स्टार्टिंग एकदम ईजी हो गया है पहले से। सिर्फ सेल्फ का स्विच के दबाने से गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, और बेसिक गाड़ियाँ ऐसे ही स्टार्ट होती हैं। और मैं दुकान पहुंच गया हूँ। थोड़ा सा क्लोज स्टार्ट कर दूँगा। हाँ टिकट गोरा मिला हुआ। ओके गाड़ी पहले से ठीक भी चल रहा है। बस आज का बस यही था इस वीडियो पे। गाड़ी का इंजन का काम किया है मैंने। गाड़ी चलने में भी अच्छा लग रहा है अभी तो। पहले क्योंकि बंद हो जाता बहुत प्रॉब्लम दे रहा था कस्टमर को। गाड़ी को ज़्यादा भी नहीं 3-4 साल ही हुए हैं, और गाड़ी किलोमीटर काफ़ी चल चुका है। कोई बात नहीं, बस इतना ही आज के लिए, इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।